आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। इस बीच बिलासपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने लोरमे विधानसभा स्थित अपने ग्राम डिंडौरी में सपरिवार मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए तोखन साहू ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें सांसद प्रत्याशी के रूप में चुना है, जो उनके और उनके परिवार वालों के लिए गौरव का विषय है। आइए इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप ठाकुर से, जो मुंगेली पर स्थित है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, मतदाताओं में कितना उत्साह मुंगेली में देखने को मिल रहा है, खासकर कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, बिलासपुर लोकसभा को लेकर यदि हम बात करें तो बीजेपी के जो सांसद प्रत्याशी तोखन साहू, वह सुबेरे अपने गृह ग्राम डिंडौरी में मतदान किया। सुबह से ही बुजुर्ग से लेकर युवा और महिला पुरुष, जो तमाम वर्ग के जो लोग हैं, सुबह से ही लंबी कतार में खड़े हुए थे और लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा था। बता दूं कि मुंगेली जिले में 663 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुबह से ही जो है लंबी कतारें लगी हुई थी और जो है युवा वर्ग, खासकर जो पहली जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, उनसे जब हमने बातचीत किया है तो उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर के वोट देने की बात कही है। बता दूं कि अब तक के मुंगेली जिले में 3 बजे के बाद का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें 57% से भी ऊपर का मतदान अब तक के हो चुका है। और अभी फिलहाल जो है मतदान की जो प्रक्रिया जारी है, और मुंगेली जिले में लगातार अभी कुछ ही समय में जो बारिश हो रही है अच्छे चलते, हालांकि थोड़ा सा मतदान में थोड़ा सा छलन की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन जो मतदाता है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बिलासपुर लोकसभा जो है वो 8 विधानसभा आता है और 8 विधानसभा में अब तक के 50% से अधिक जो मतदान का प्रतिशत है वह बताया जा रहा है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम है और इसके देखते हुए क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों में की गई थी, और अब तक कितने प्रतिशत मतदान आप मुंगेली में है तो मुंगेली में कितने प्रतिशत का मतदान हो चुका है और पूरे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए जो अनेक प्रयास किए गए हैं, उसके तहत भी अनेक कार्यक्रम किए गए हैं और खास करके महिला बुजुर्ग समेत तमाम वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए है, गर्मी का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और यहाँ पर अलग से एक बैठक हॉल का जो है व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके और लंबी कतार के अलावा लोग वहां पर बैठकर वेटिंग हॉल में अपने बारी का इंतजार करें। और अब तक के मुंगेली जिले को लेकर देखा जाए तो 57% से अधिक मतदान अब तक के हो चुका है, जो आंकड़ा सामने आया है। और वहीं बिलासपुर लोकसभा यानी 8 विधानसभा को लेकर यदि हम बात करेंगे तो 50% से अधिक मतदान का प्रतिशत अभी तक बताया जा रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।